हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों सुबह उठ चुके हम लोग, कितने बज गए? 9 बजे, 9 बज गए हैं और चाय के लिए हमने फोन कर दिया है। चाय आने वाली है मम्मी पापा के लिए भी। मम्मी पापा साथ वाले रूम में, तो उनके लिए फीकी, मम्मी फीकी पीती जाए, और ये तो पी नहीं रहा कुछ भी। तो फिर शादी तो शाम को ही है, तो दोपहर सुबह पर क्या करेंगे? कहीं चलेंगे? हाँ देखते हैं कहीं। उठे तो हो नहीं हो, 9 बज गए, लेट सोए थे ना, तो इसलिए उठे भी लेट। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अपना नहा धो के अपना दर्शन वर्शन करके आएंगे। मंदिर बनाते हैं प्रोग्राम मंदिर का, फिलहाल अभी चाय पियेंगे। चाय आ जाए हमारी पहले। ये प्रेम मंदिर कहाँ पर है? सब यहीं पर, सब पास में। वहाँ भी जाएंगे फिर? और क्या, प्रेम मंदिर भी चले जाएंगे। तो आ गई चाय हमारी और मम्मी भी बैठी है। देखिए मम्मी की चाय आ गई, लेकिन वो मीठी आ गई है। अब वो फीकी लेने गए हैं। कहा तो फीकी था, लेकिन वो भैया भूल गए थे। उनकी मीठी है तो ये भी मीठी है, सारी मीठी है। लाइट मीठी होगी मम्मी, अलग सी है ना, इससे चलते देखो। लाइट मीठी होगी बस, कलर में तो चेंज लग रहा है। थोड़ी भी कलर में भी चेंज है, इसलिए कम मीठी है वो, हल्की सी मीठी है। हाँ पी लो फिर। दोस्तों मेरे पीछे सब पड़ गए, मम्मी भी पति देव भी। यूँ कह रहे पहले तू नहा, नहीं तो तू लगाएगी टाइम तैयार होने में। ये कह रहे 1 करोड़ घंटे लगाएंगे। तो ये अब मैं कह रही पहले चाय तो पी लेता था थोड़ी देर में। भैया हम जो है ब्रज की भूमि पे, ब्रज तो खैर हमारा भी लगता है, लेकिन यहाँ साक्षात वृंदावन में पढ़े हम, राधा राम की नगरी और कान्हा जी की नगरी, और एकदम मजा ही आ रहा है, एकदम अनुभूति अलग हो रही है। अरे है रिसेप्शन पे जाओ तो राधे 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 बोलते हैं। जब हम दुकान पे गए थे ना पूछने के वृंदावन कहाँ पर है, तो वो कहते कि वृंदावन में तो है। शायद ना बस यही लिखा है ना, तो भगवान जी के नाम पे ही है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जिससे कोई भी संबोधन करो राधे राधे, तो अंदर से एकदम एक अलग ही खुशी आती है। जो एंकर थी ना एंकर, उसने भी शुरुआत तेज से की, राधे राधे, बस मन एकदम खुश हो गया था। तो दोस्तों तैयार हो चुके हम लोगों ने। ये वाली देखिए, ये वाली कलर पहना है, पर्पल, राधे राधे। और जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज वैसे तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन आज हमारा वैलेंटाइन डे मनेगा राधा रानी और हमारे कान्हा जी के साथ। तो राधे राधे, राधे राधे सभी को। चलो बंद कर देते हैं इसका। तो मम्मी पापा भी तैयार हो चुके हैं। सार्थक हो गए दादा दादी तैयार? हो गए थे ना पापा कहाँ गए? पापा अच्छी लग रही है हमारी माता जी, स्मार्ट तो नहीं है, सुंदर। आज शगुन दादू के साथ आइए, तो शगुन दादू के साथ आ जाएगा, हम सब चलते हैं। हमारे घर में राधा श्री, राधा श्री राधा। थ्री पे दिखा रहा है ये, अरे किसी ने दबा दी होगी, दबा दी। आ गए नाश्ता करने के लिए हम लोग। ये नाश्ता लगा हुआ है, आज लेट उठे हैं। ये हमारी चाची जी हैं और हमारी चाचा और ये मम्मी है और ये हमारी जिठानी जिठानी है, और ये हमारे हमारे पूरी फैमिली है, बिंदास चाचा चाची है ये वाले। हमारी बहू भी बिंदास है, हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है। करा दो ये कौन है।
सारे फैन हमारे जानते हैं, संजय भैया जिंदाबाद, अरे शाबाश, ये जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों ये हैं, देखो हमारी दादी माँ तो देखी होंगी आपने, ये उनकी सिस्टर है, बिल्कुल दादी माँ जैसी लग रही हैं, देख लो है ना, बिल्कुल ऐसी ही है, सेम डिट्टो, छोटी सिस्टर है उनकी ये उनके तो ऐसा लग, उन्हीं की झलक लगती है पूरी, और क्या, जिनको ऐसे है ना साहब, ऐसे लगे ना, ऐसी लगती है ना, अपनी दादी जैसी है, बिल्कुल सिस्टर है उनकी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एकदम बुढ़ापा आएगा इन पे, बिल्कुल ऐसे ही हो गई, दादी माँ जैसी लगती है, दादी का दूसरा रूप है हमारी, बिल्कुल यंग लगती थी नहीं सुंदर लग रही है, कितनी तो प्यारी लग रही है, देख लो एकदम व्हाइट व्हाइट बाल और एकदम रेड बिंदी लगा के, कितनी मस्त लग रही है हमारी दादी कलर करवा दो, ये कह रहा कलर करवा ना, दादी हमारी ऐसे सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर लग रही है, और ये हमारी चाची है, ये वाली मम्मी की छोटी देवरानी, ये वाली सारा परिवार इकट्ठा है यहाँ पे, तो सब लोग मिलेंगे हमारे, उधर पीछे देखो दादू पोता दोनों देखो बात करते हुए, इधर पीछे बात करने, ये देखो दोस्तों ये मंडप है, यहीं पे रात को है ना, यही मंडप है ना, यहीं पे होगा अभी भात पहना, यही भात, अभी भात का प्रोग्राम होगा यहाँ पे, और ये देखिए पतिदेव अभी इधर इधर बात कर रहे हैं, इधर चाचा चाची से चल रहा अभी यहाँ पे, अभी अभी तो खाली है, सब लोग तैयार होने गए हैं, देखो हमारी खाना खा रहे हैं, देखो हाँ जी भैया, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कल से इनको देख रहा हूँ, ये अलीगढ़ से, हाँ जी, टिकटॉक पे गाने आते हैं ना, हाँ, तो मैंने आपके गाने सुने, हाँ जी, और घर के सीन भी घर के लेते हैं, ये मम्मी है, ये मम्मी, नहीं मैंने माता जी को तो कमी मतलब देखा होगा, उनको दे दो, इनको देखा है एक, और मतलब आप साथ में गाने अच्छे गाने वो 90 के दशक के, और हम 90 के पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते हैं, वैसे मैं अलीगढ़ का ही हूँ, अच्छा, अरे वाह, अलीगढ़ के मिल गए, अलीगढ़ के मिल गए हम मथुरा में, क्यों नहीं पसंद आएंगे, पसंद नहीं आते तो हम आपसे क्यों कहते, ये बात हम दिल में चल लिया, मैं अभी गाड़ी को पहुँच रहा था तो ये बोले भाई सब के घर भी आता है, अच्छा मैं लोकेशन आती है घर की, तो ये देखिए साता के गाड़ी का चढ़ा हुआ और ये साफ करने लग रहा है गाड़ी को नहीं नहीं हाँ उतर लो। तो दोस्तों मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पास में ही है प्रेम मंदिर, तो प्रेम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, बस निकल रहे हैं, हाँ प्रेम मंदिर को चल रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हो तुम, चढ़ रहा है इसको, इसको बड़ा मजा आ रहा है इसको चढ़ने में, मैं दोबारा चढ़ूंगा, अभी तो चढ़ के उतर रहे हो, पार्किंग में लगा दिया है और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं गाड़ी, तो इसके बाद यहाँ पार्किंग में छोड़ के फिर हम अपना ऑटो रिक्शा वगैरह करेंगे, उससे जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए, हाँ बिल्कुल भैया चलने देंगे, काम धंधा क्यों नहीं, काम धंधा तो भाई के कृपा से चल लो, तो भैया लेते हैं 20 रुपए सवारी, चलिए बैठिए बैठिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, बैठ गए अपना ऑटो में और अब निकल रहे हैं हम लोग, दोस्तों ऑटो हमने वहीं छोड़ दिया और यहाँ से जा रहे हैं पैदल दर्शन करने के लिए, तो इसी रास्ते पे आगे है, Thank you.
प्रेम मंदिर के पास बहुत नजदीक। दोस्तों आए थे हम प्रेम मंदिर, लेकिन थोड़ा सा हो गए हम लेट, क्योंकि जाम लग रहा था रास्ते में, तो ऑटो वाले ने थोड़ा सा लेट कर दिया हमको, तो पट हो गए बंद और हम दर्शन नहीं कर पाए। मुझे लगता है हम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए तो दर्शन नहीं कर पाए, तो हम ये प्रेम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। हम प्रेम मंदिर जो अपना तो बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं, हमारे कन्हैया जी चाहेंगे तो फिर दर्शन होंगे, तो थोड़ा सा मलाल है कि यहाँ तक आए और दर्शन नहीं हो पाए। तो चल रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों जा रहे हैं, अभी हमारा फंक्शन है और दर्शन तो हुए नहीं, क्योंकि हमें टाइमिंग की अच्छे से पता नहीं था कि इस टाइम पट बंद हो जाते हैं, शनिवारी बस तिलक विलक लगा के आ गए हम लोग। और फिर चलो कभी आएंगे दर्शन करने, देखते हैं कब भगवान जी हमें बुलाते हैं, तो आएंगे जल्दी। वैसे तो वृंदावन आना ही अपने आप में दर्शन है, क्योंकि ब्रज की तो कण कण और हवा पानी सब अच्छा बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक सुकून सा मिल रहा है, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ एक सुकून सा है, शांति सी बहुत अच्छी है। और चलिए कोई नहीं, हम लोगों को बहुत टाइम से, मतलब कि हमें जैसे इतना हम आए नहीं है तो हमें इतना पता नहीं टाइमिंग की, लेकिन अब पता चल गई है तो अब उसी अकॉर्डिंग आएंगे हम टाइमिंग के, कि किसी ने एक बजे का बोला था। और यहाँ फिर आके पता चला कि 12 बजे तक बंद हो जाते हैं, और चले कोई नहीं, भगवान जी कहते हैं ना जब दर्शन लिखे होंगे हमारे लिए तो तब आएंगे और तभी दर्शन होंगे हमें। मस्त हवा चल रही है, एकदम मजा आ रहा है, देखिए स्नातक के बाद मस्त हवा है, नहीं तो बाल की बात कुछ अलग है। ओह बाल की बात अलग है महाराज की, स्नातक है, तिलक लगा के हम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है भात का प्रोग्राम, वेट बनना बहुत उसकी बात है, सबसे पहले माल लेके आ गए हैं और सबसे पहले माल लेके बैठे हुए हैं। जीजा जी और फूफा जी की तो बात ही अलग है, पूरी बारात एक तरफ और फूफा जीजा एक तरफ, जब फूफा का जीजा का मामला बड़ा कसाले का है, इसीलिए पीछे पीछे रायता भी इसीलिए तो आ जाता है, रायता हलाने आगे रहते फूफा। राधे राधे भैया, इधर देखिए मैं, इधर देखो। आज बसंत पंचमी, वैलेंटाइन डे और बाबा का बर्थडे, तो बसंत पंचमी को स्पेशल डे ये है कि बाबा का बर्थडे है, तो बाबा के केक कटिंग की तैयारी चल रही है, तो बाबा काटेंगे अब केक। चलो बच्चा पार्टी किधर है? ये बर्थडे बॉय सार्थक बोल रहा है, बर्थडे बॉय, ये बर्थडे बाबा है। दोस्तों आ गए अब फंक्शन में से, और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर, और उसके बाद फिर अपना चेंज वेंज करके जाएंगे अब रात को ही।